नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। इस स्टॉक की बात करें दोस्तों, इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर जो है कि फंसे हैं दोस्तों, हाल ही में जो है कि फंसे भी थे। और अभी की बात करें दोस्तों, अभी जो है कि इस स्टॉक के ऊपर देखा जाए तो राइट इशू का इतना कुछ खास इंपैक्ट पड़ता हुआ मुझे नहीं दिखा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखा जाए तो जिस हिसाब से कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 1200 करोड़ जो है कि फंड रेजिंग का काम, तो उसमें देखा जाए तो कंपनी में एक अच्छी खासी तेजी आनी थी जो कि आई नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी इस स्टॉक में दोस्तों कुछ रिटेल इन्वेस्टर होंगे कि रिकॉर्ड डेट से पहले इस स्टॉक को मेरे पॉइंट से आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जी बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं वही आज के दिन जो है कि 3% के आसपास तेजी में है। ऐसे में बता दें दोस्तों, कंपनी जो है कि जनवरी 18 2022 को 13.10 रुपये का हाई लगाया था। लो की बात करें तो कंपनी का 5.90 रुपये, जो कि 28 जुलाई 2022 को अभी रिसेंट का। खासियत की बात करें दोस्तों, आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है कि बहुत ही छोटी कंपनी, मतलब 8 करोड़ शेयर जो कि ट्रेड हुए, 3 करोड़ डिमिट में ले जाया गया, जिसका परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे तो 37% के आसपास निकल के बाइंग करना है। सबसे पहले आपसे बता देते हैं कि यहाँ पे देखेंगे 14-15% का आसपास जो है कि स्टेक तो है, लेकिन इसमें देखेंगे तो 88-90% के आसपास शेयर प्ले। तो रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हैं, एक्स डेट इसका 3 अक्टूबर है। जैसा कि आपसे दोस्तों बता देते हैं, 5:21 का जो है रेशियो रखा गया है, जिसमें आपके पास 21 शेयर रहेंगे तो आप 5 शेयर के लिए अवेलेबल रहेंगे। एनर्जी की बात करें दोस्तों, इतना कुछ खास इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी आज के दिन 3% तेजी में। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन वही फ्लैट कारोबार है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में कंपनी डाउन है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी कंपनी डाउन ही है 8%। वाई टू डेट की बात करें तो वाई टू डेट में 18-19% कंपनी डाउन है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में कंपनी 33-34% जो है कि रिटर्न बना के दे रही है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी 43%। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी जो है कि लगभग 94% के आसपास जो है कि क्रैश है। अभी दोस्तों ऐसी कंपनी की बात करें दोस्तों, ऐसी कंपनी में जो है कि निवेश करने से पहले 10 बार आपको सोचना। एनर्जी के बारे में हमको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं। कंपनी जो है कि विंड टर्बाइन बनाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों, 8.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। 13 रुपये इसका हायर साइड है, जो कि अभी रिसेंट में लगाया था। 5.90 रुपये कंपनी का लो है। पी की बात करें तो है ही नहीं, देख सकते हैं। बुक वैल्यू कंपनी का माइनस में है। डिविडेंड क्या पे करेगी। आरओसी की बात करें तो आप देख सकते हैं 22 का है, लेकिन आरओई यहाँ पे है ही नहीं। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है। तो पैनल में देखा जाए दोस्तों, पहले इनके बिजनेस जो है कि अच्छे चल रहे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अभी की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं चल रहे। हाँ, लेकिन दोस्तों जो फ्यूचर देखा जा रहा है ना रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, हो सकता है कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर। 3 साल से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कुछ सुधरते हुए दिख रहा है, लेकिन ऐसे में ये कंपनी जो है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी जो है कि पहले से ही लॉस लॉस लॉस। फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा आप दिख रहा है जो 2252 करोड़ का फाइनेंशियल ट्रेंड। ऐसे में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अदर इनकम्स इस कंपनी में जो है कि ज़्यादा इंक्लूड है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं वही सब माइनस में है लॉन्ग टाइम का। टीटीएम और 3 साल में कुछ दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भी देख सकते हैं 25 के आसपास है। यहाँ सीजीआर की बात करें, सीजीआर भी देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक कंपनी जो कि कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। हाँ, 3 साल वाले इस कंपनी में थोड़ा सा रिटर्न मिला है, रिटर्न इक्विटी जैसा कि हमने देख लिया था ही नहीं। की बात करें दोस्तों, आप रिजर्व्स देखेंगे तो माइनस में है। बोरिंग की बात करें तो 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ के आसपास डेड भी है। दोस्तों 14% प्रमोटर के पास है स्टेक। एफआईएस की बात करते हैं, एफआईएस ने भी जो है कि माल को एक्युमुलेट किया। डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने माल को सेल कर दिया। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इसमें जो है कि माल को एक्युमुलेट करते ही जा रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बता देते, राइट इशू की बात करें दोस्तों, कोई भी कंपनी कब लाती है, जब उसको पैसे की शॉर्टेज होती है तभी कंपनी जो है कि राइट इशू लाती है। राइट इशू ला करके दोस्तों क्या करते हैं, रीपेमेंट, मतलब लोन का जो उनका पेमेंट रहता है वो रीपेमेंट करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, मतलब एक्सपांड करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के। लेकिन दोस्तों ऐसे में बता देते, ये एक पेनी स्टॉक है। इस कंपनी बहुत ही ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि क्या है दोस्तों, ये एक रिस्की कंपनी। मैं क्या सबसे पहले बता देते, जिनको बाइंग करना है मेरे पॉइंट से, आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे बता देते, बहुत हैवी अमाउंट इस स्टॉक में नहीं फंसाना है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो बहुत ही रिस्की कंपनी, हैवी अमाउंट आपको नहीं फंसाना है। मेरे पॉइंट से आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर हायर साइड की बात करें तो देखा जाए दोस्तों, देखिए ये पेनी स्टॉक है, कहीं भी जा सकता है। लो साइड की बात करें दोस्तों तो पेनी स्टॉक है दोस्तों, इसमें जो है कि ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।